अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जनाब बड़ी रैंडम से टॉपिक पे है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस विद मेडिकल प्रोसीजर्स एंड सर्जरीज, क्योंकि मेरी 4 सर्जरीज हो चुकी हैं मेजर और माइनर मिला के। तो एक दिन हम इंस्टाग्राम पे बातें कर रहे थे एंड ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि आई शुड टॉक अबाउट इट, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे टाइम पे से गुजरा हो या गुजर रहा हो, तो शायद उसको अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं। या ये भी हो सकता है कि आपको कभी कभी सिर्फ एक ऐसा शख्स चाहिए होता है जो उसी चीज़ से गुजर रहा हो या गुजरा हो, तो आपको अच्छा लगता है, आपके दिल को सुकून होता है सुन के। सो मे बी दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर सम ऑफ यू एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक दफ़ा फिर कहूँगी मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मुझसे कोई मेडिकल क्वेश्चंस ना करें, कमेंट सेक्शन में आके मुझसे दवाइयाँ मत पूछें, क्योंकि मैं आपको उसका जवाब नहीं दे सकती। ऐसे सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट देम टू योर डॉक्टर्स। मैं सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मुझे क्या सिम्टम्स थे, मेरी क्या सर्जरी हुई, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, उसने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदला, थिंग्स लाइक दैट। सो चलें विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। अच्छा, इस वीडियो की अच्छी बात यह है कि इसके लिए मुझे किसी तरह के नोट्स नहीं ज़्यादा बनाने पड़े। ज़्यादातर नोट्स मेरी मेमोरी में महफूज हैं और मुझे वहीं से एक्सेस करने पड़ेंगे। पहली सर्जरी हुई थी मेरी 23 साल की उम्र में, और वो कोलसिस्टेक्टमी थी, यानी मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था। वो गॉल ब्लैडर इसलिए रिमूव हुआ था क्योंकि उसमें स्टोन्स बन गए थे। अब बहुत सारे लोग तो उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट था। मुझे कोई 4-5 एपिसोड्स ऑफ इंटेंस पेन हो चुकी थी गॉल ब्लैडर के साथ, और वो पेन ऐसा होता था कि मुझे ऐसे लगता था मेरी कमर के इर्द गिर्द रिंग में एक दर्द है जो घूम रहा है, यू नो आई फेल्ट लाइक दैट। और कभी कभी दर्द इतना एक्सट्रीम हो जाता था कि मुझे लगता था मैं अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर दूंगी। सो इस तरह की 3-4 एपिसोड्स हुई। उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड कराया, पता चला जी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। सो गॉल ब्लैडर का काम जिस्म में ये होता है कि आपका लिवर जो बाइल प्रोड्यूस कर रहा होता है वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। सो जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है तो तब भी आप बहुत नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हो। इट्स जस्ट कि लिवर के अंदर से जो बाइल बन रहा है वो सिर्फ लिवर ज़रूरत के वक्त प्रोड्यूस करने लग जाता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बाइल स्टोर होने की जगह नहीं होती। सो आई हैड दैट, मतलब पेन के 3-4 एपिसोड्स थे, अल्ट्रासाउंड कराया, सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर सर्जरी, क्योंकि मुझे वो तंग कर रहे थे स्टोन्स। सो आई हैड माई सर्जरी डन। सर्जरी के लिए आप यू गो थ्रू जर्नल एनेस्थीसिया, यानी आपको पूरा का पूरा बेहोश करते हैं, और दो जगह कट लगता है आपको, एक तो आपको लगता है अपने स्टमक के ऊपर और एक आपको लोअर एब्डोमेन में साइड पे लगता है। छोटे छोटे इतने इतने से इंच डेढ़ इंच के भी कट्स नहीं होते, शायद छोटे से होते हैं। एंड इट्स लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी कि मतलब कैमरेज के थ्रू बहुत माइक्रो सी सर्जरी होती है। पूरा कोई आपका पेट शेट खोल के वो सर्जरी नहीं करते, छोटा सा बिल्कुल कट होता है। सो वहीं से वो कैमरा डालते हैं, वहीं से वो कटर डालते हैं, वहीं से वो सक्शन का जो कुछ होता है वो डालते हैं, एंड दे जस्ट ब्रेक द स्टोन्स, सक देम आउट, एंड यू आर आउट ऑफ द सर्जरी। आई थिंक टोटल इस सर्जरी में शायद आई डोंट इवन रिमेंबर कि कितना टाइम लगा था, लेकिन आई डू रिमेंबर कि मुझे 24 घंटे बाद छुट्टी मिल गई थी, मैं घर आ गई थी। एंड कुछ अर्सा उसके बाद, लाइक 2 दिन मैं थोड़ा सा बेंड होके चलती रही थी, मुझे तकलीफ थी कट्स वाली जगह पे, और उसके बाद मैं सीधा होके भी चलने लगी थी, एंड इट वॉज प्रिटी फाइन, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। सो गॉल ब्लैडर वाली, लाइक माई कोलसिस्टेक्टमी वॉज, एटलीस्ट अभी मुझे मेमरी से यही याद आ रहा है कि हफ्ता शायद इट वॉज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन उसके बाद इट वॉज लाइफ एज यूजल। खाने पीने में द वे इट चेंज माई लाइफ फॉर अ वाइल। आपको वो बहुत हैवी खाना, क्योंकि बॉडी को एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। सो आपको पिज़्ज़ाज़ और जो जो चीज़ें हज़म करना थोड़ा मुश्किल है, जिनके लिए बाइल की ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों से मना कर देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ाज़, इस तरह की चीज़ें ना खाएँ। लेकिन हमारी बॉडीज़ बहुत स्मार्ट हैं, ओवर टाइम वो एडजस्ट कर जाती हैं। अब आफ्टर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, मुझे नहीं लगता कि उसने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है, लेकिन क्योंकि मेरी बॉडी अब उसके लिए एडजस्ट कर चुकी है ख़ुद को, लेकिन आई स्टिल फील कि जिस दिन मैं पिज़्ज़ा ज़्यादा खा लूँ या दूध क्रीम, इस तरह की चीज़ें मुझे पहले तंग नहीं करती थी, अब मुझे उनसे ब्लोटिंग होती है बहुत ज़्यादा, या इनको हज़म होने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, TMI, बट द स्टूल इज़ इन लाइक द नॉर्मल स्टूल आफ्टर आई ईट अ पिज़्ज़ा और समथिंग। सो इस तरह के चेंजेस हैं, बट नथिंग मेजर, नथिंग दैट रियली लाइक इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक आई डोंट हैव अ गॉल ब्लैडर एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। सो दैट वॉज माई फर्स्ट सर्जरी। सेकेंड सर्जरी हुई थी मेरी एट द एज ऑफ 26। इट वॉज लाइक उसका मेडिकल टर्म था लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी, और ये बेसिकली मेरी ओवेरियन सिस्ट रिमूव हुई थी। सो मेरी ओवरी, लेफ्ट ओवरी के साथ 4.5 इंचज़ की सिस्ट बन गई थी, एंड
obviously we had to have it removed. So जो cyst थी वो identify कैसे हुई थी, उसके symptoms as such मुझे कोई भी नहीं थे सिवाय इसके कि I would sometimes get really bad pain during my period, but उसके अलावा कोई as such strong symptoms नहीं थे कि I could have a cyst, you know. बड़ी interesting story है कि मुझे कैसे पता चला कि cyst है, और इस उसकी timing भी बहुत interesting थी मेरी surgery की. So हुआ कुछ यूँ कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो one of my गुड फ्रेंड्स फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी वो पाकिस्तान आई हुई थी. उसकी शादी हो चुकी थी, 8-9 महीने हुए थे और वो पाकिस्तान से बाहर रहती थी. सो शी हैड लाइक द काइंड ऑफ इन लॉज जो कि हर कॉल पर पूछते हैं कि खुशखबरी है, उस तरह के उसके इन लॉज थे. सो वो तंग आके पाकिस्तानी आ गई कि मैं अपना लाइक यू नो अपने चेकअप करा लेती हूँ. सो वो अपना चेकअप कराने आई तो बाई चांस उसको पता चल गया अल्ट्रासाउंड में कि शी हैज़ अ रियली बिग सिस्ट इन हर ओवरीज, एंड दैट्स व्हेन उसकी यही वाली सर्जरी होनी थी. सो मैंने उसकी बात सुनी तो इट जस्ट स्टेड इन माई माइंड. मैंने अपने दिल में ये फैसला कर लिया था कि मैं अपना हर कुछ अरसे बाद ये चेकअप कराती रहा करूँगी, अल्ट्रासाउंड कराती रहा करूँगी. इट जस्ट स्टक टू मी. कुछ बातें आपको यू नो बैठ जाती हैं दिमाग में, तो इट जस्ट स्टक टू मी. सो हुआ ये कि मेरी शादी के हम 7 महीने बाद चाइना जा रहे थे. सो हम चाइना जाने के लिए जब वी मूव्ड एवरीथिंग, पेशावर से हम लाहौर आ गए, अम्मा की तरह सब कुछ मूव कर दिया. पेशावर चाइना जाने में कोई हमारे 10-12-14 दिन होंगे, 2 हफ्ते होंगे चाइना जाने में, ये वाला टाइम था. एंड इस टाइम में मैंने सोचा था कि मैं अपनी शादी के बाद ये चेकअप कराती रहूँगी, तो मैं अब चाइना जा रही हूँ, पता नहीं मैं कब वापस आ सकूँगी. सो थिंकिंग नथिंग ऑफ इट कि ऐसा कुछ होना नहीं है असल में, आई जस्ट वेंट एंड आई गॉट एन अल्ट्रासाउंड एंड यू नो व्हाट, दे फाउंड अ 4.5-inch cyst in my left ovary, like right by my left ovary. So cysts का ऐसे होता है कि बहुत सारी खुद ही डिजोल्व हो जाती हैं, सो इतनी टेंशन की बात नहीं होती. लेकिन जब इतनी बड़ी बन जाए और वो चिपकने लग जाए टू द वॉल्स ऑफ द ओवरी, देन इट कैन बी लाइक इट शुड बी रिमूव्ड, यू नो. और प्लस कुछ सिस्ट अल्लाह माफ़ करे कैंसरस भी हो सकती हैं, सो एक वो एलिमेंट भी होता है कि यू नीड टू रिमूव दोज. ऑल्सो जहाँ तक इनफर्टिलिटी का ताल्लुक, एटलीस्ट मेरा नॉलेज यही है कि सिस्ट इनफर्टिलिटी तो कॉज नहीं करती, लेकिन वो दे कैन डिले द प्रोसेस, यू नो, दे कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट प्रेगनेंट. सो वो सारी चीज़ भी थी. सो इस तरह हमने मैंने चाइना जाना था 2 हफ्ते बाद, या 2 हफ्ते बाद नहीं, शायद 10 दिन बाद. एंड इस तरह हमने डिसाइड किया कि यार इतनी बड़ी सिस्ट है तो इसको रिमूवल ज़रूरी है. अब मैं चाइना जा रही हूँ, पता नहीं कब आऊँगी, फिर कैसे होगा. एंड वो हमें जो डेट मिली उसके 4 दिन बाद शायद मेरी चाइना की फ़्लाइट थी, एंड वी वर गोइंग टू चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम, वी वर मूविंग टू चाइना. सो वो सर्जरी हमने करा ली, और जब हमने वो सर्जरी करा ली तो वो अच्छी खासी, मतलब वो काफ़ी तकलीफ थी सर्जरी थी. आई थिंक उसके भी मैं शायद 1.5 दिन बाद घर आ गई थी, मुझे उन्होंने छुट्टी दे दी थी, और वो भी लेप्रोस्कोपिक थी, वो भी कैमरा और सारी चीज़ें, छोटा सा कट लगता है उसमें भी. सो वो भी मेरे एब्डोमेन पे आई थिंक एक कट उसका भी है. सो वो भी छोटी सी उस तरह से सर्जरी थी, कट बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन इट वॉज़ पेनफुल. इट वॉज़ लाइक मेरे एब्डोमेन का अंदर वाला सारा हिस्सा अच्छी खासी कट कटाई हुई थी वहाँ पे. सो मेरा एब्डोमेन का निचला हिस्सा वॉज़ सोर, इट वॉज़ मतलब अनकम्फर्टेबल. पिछली सर्जरी के मुकाबले में ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था. लेकिन शुरू के दिनों में आपको बहुत हैवी किस्म की यू नो पेन किलर्स वगैरह दिए हुए होते हैं, तो मुझे उतना पता नहीं चल रहा था. एंड मैंने चाइना चले जाना था तो मेरी बहन हुज़ ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, वो रहने आई हमारे घर, और 2 रातें वो मेरे पास रह के गई, और 2 रातें मैंने सारी रात मतलब रेस्ट करने की बजाय मैंने बैठ के उसके साथ बातें की, कह के मार मार के हम हंसे भी, और हंसते हुए भी आपको पता है एब्डोमेन पे जोर पड़ता है. सो वो टाइम तो हमने गुजार लिया. लेकिन उसके बाद था जी सफ़र, जो कि था 36 आवर्स का. हालांकि चाइना हमारी बिल्कुल साथ है, लेकिन जिस तरह हमने ट्रैवल करके जाना होता है फ्लाइट्स बदल बदल के, प्लस कनेक्टिंग फ्लाइट्स में बीच में इतना इतना रेस्टिंग पीरियड होता है, मतलब वेटिंग पीरियड होता है. सो हमें शायद घर से घर तक तकरीबन 36 घंटे लग जाने थे, और स्पेशली क्योंकि हमने लाहौर से नहीं इस्लामाबाद से जाना था. तो पहले मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना था, इस्लामाबाद से आई थिंक बीजिंग जाना था, बीजिंग से नानचंग जाना था. सो इट वॉज़ बहुत ज़्यादा ट्रैवल था. और बीजिंग का और ग्वांगचो का जो एयरपोर्ट है वो पूरे लाहौर जितना होगा, इतना पूरे पूरे शहर जितने उनके एयरपोर्ट्स हैं जिन पे आपको चल चल के जाना पड़ता है. सो जो आखिरी फ़्लाइट थी ना जिसमें हमने आगे नानचंग घर चले जाना था, वो फ़्लाइट उसके लिए हम लेट भी हो रहे थे, और वो फ़्लाइट कैच करने के लिए मुझे तकरीबन भागना पड़ा अपने उसी ज़ख्म के साथ, सोर बॉडी के साथ मुझे तकरीबन भागना पड़ा क्योंकि द प्लेन वॉज टेकिंग ऑफ इन लाइक 2 मिनट्स. सो हम भाग के जाके वो सीट्स पे बैठे, एंड द मोमेंट आई सैट ऑन माई सीट आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मुझे इस कदर तकलीफ़ हो रही थी, और मेरे अंदर ऐसे लग रहा था कि
मतलब अभी पेट जो है वो फट जाएगा, इस कदर सोरनेस थी मेरे एब्डोमेन में. इट वाज टॉर्चर. और वो मेरी गलती की वजह से ही था क्योंकि रेस्ट भी मुझे प्रॉपर नहीं मिला था पोस्ट ऑपरेशन. बट बहरहाल उसके बाद इसी तरह मैं हम लोग अपने अपार्टमेंट में पहुँचे चाइना में. एंड मैं बेड पे लेट के, एयरप्लेन में तो मैं चुप करके रो रही थी ना, बेड पे लेट के आई स्टार्टेड क्राइंग हिचकियों से ऊँचा ऊँचा. एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक, उनको समझ ना आया, ही फेल्ट सो बैड फॉर मी एंड ही डिडंट नो हाउ टू टेक द पेन अवे. एंड पेन किलर वगैरह उन्होंने मुझे दे दिए, बट ही वॉज लाइक वॉट कैन आई डू, हाउ कैन आई हेल्प. एंड आई वॉज लाइक बस मुझे रोने दें, इस वक्त मुझे सिर्फ रोने दें. सो आई क्राइड लाइक अ गुड 2 hours एंड देन आई फेल अस्लीप. सो उसके बाद ये था कि उसके बाद पोस्ट ऑपरेशन काफ़ी केयर थी. उसके बाद आपने 1.5 महीने की केयर करनी थी, नीचे से वज़न नहीं उठाना था, मतलब उस तरह की काफ़ी उसकी केयर थी. दैट वॉज अ मेजर, आई थिंक इट वॉज प्रीटी मेजर. और मुझे तकलीफ वाइज भी वो सबसे ज़्यादा मेजर याद है. तो ये हुआ था, ये दूसरी सर्जरी थी. अल्लाह का शुक्र है उसने भी एज सच कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उसके नहीं है मेरे ऊपर. वो भी एक जनरल एनेस्थीसिया था, पूरा बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं. सो द थर्ड मेडिकल प्रोसीजर, इसको मैं सर्जरी तो नहीं कहूँगी, मेडिकल प्रोसीजर ही कहूँगी. इससे पहले मैं ट्रिगर वार्निंग देना चाहती हूँ. आई विल बी टॉकिंग अबाउट लॉस, आई विल बी टॉकिंग अबाउट मिसकैरेज, एंड दिस सिचुएशन माइट गेट अ लिटिल ग्राफिक. सो इफ दैट इज़ टू पेनफुल टू हेयर फॉर यू राइट नाउ, तो आई वुड लीव अ टाइम स्टैम्प. आप बल्कि यहाँ पे भी छोड़ दूंगी, आप वीडियो के इस हिस्से पे चले जाएं, यू कैन स्किप अहेड बिकॉज लाइक आई सेड आई विल बी टॉकिंग अबाउट मिसकैरेज. सो हम चाइना में ही थे व्हेन आई स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला था जब हमें पता चला कि बेबी की हार्ट बीट नहीं है. अब कन्फ्यूजन ये थी कि हर दफ़ा जब हम जाते थे तो सैक का साइज़ बड़ा बहुत था और हार्ट बीट नहीं सुनाई देती थी. सो क्योंकि ग्रोथ नज़र आ रही थी तो उसलिए दिल भी नहीं मान रहा था. बट आई हैड अ मिस्ड कैरेज, यानी कि मेरी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर रही थी कि द बेबी इज़ गॉन, देयर वाज नो हार्ट बीट. तो वो सैक बड़ा होता जा रहा था और क्योंकि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड होने वाला था तो ऑब्वियसली द सैक गॉट बिग इनफ कि वो नहीं चाह रहे थे कि मुझे सर्जरी करके या डायरेक्ट डीएनसी करें. दे वॉन्टेड मी टू पास द फीटस नेचुरली और फिर वो डीएनसी के थ्रू सारी सफाई करना चाह रहे थे. लेकिन मेरी डायरेक्ट सर्जरी खतरनाक हो सकती थी, स्पेशली बिकॉज मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, विच रिमाइंड्स मी कि हर सर्जरी में, मेरे 4 मेडिकल प्रोसीजर्स हुए, हर सर्जरी में मेरा ब्लड ग्रुप अरेंज करना वॉज दी मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग एंड स्ट्रेसफुल थिंग. कि ओ नेगेटिव कहीं से मिलता ही नहीं, हमारे इर्द-गिर्द किसी का है नहीं, सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू अरेंज द ब्लड फॉर मी. बट बहरहाल इसके लिए भी वो कहते थे कि नहीं, आपको पहले इट हैज़ टू पास नेचुरली. सो दे गेव मी द मेडिसिन एंड आई हैड लेबर पेन्स, मतलब ऑब्वियसली आई नेवर हैड, मेरी बेटी का भी सी सेक्शन हुआ था सो आई नेवर हैड द एक्चुअल लेबर पेन्स, बट आई थिंक यू कुड कॉल देम दैट क्योंकि पीरियोडिकली मतलब आई हैड दैट पेन, इंटेंस पेन की फीलिंग. एंड आफ्टर अबाउट लाइक आई थिंक 18-19 hours ऑफ दैट पेन आई डिड पास द फीटस. लेकिन द ट्रामा ऑफ इट यू गाइज, इट वॉज सो, फिजिकली वो इतना पेनफुल नहीं था लेकिन द इमोशनल ट्रामा ऑफ इट. एक तो आपने कभी अपने इर्द-गिर्द किसी का मिसकैरेज ना देखा हो ना सुना हो, आपको पता ही ना हो कि ये कैसे होता है. यू डोंट नो द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन ब्लीड्स, यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नो द लैंग्वेज. आप डॉक्टर से कोई सवाल करने जोगे नहीं है, उससे बात करने जोगे नहीं है, डॉक्टर आपको तसल्ली देने के काबिल नहीं है. यू डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स देयर, यू हैव नो फैमिली देयर. मेरे हस्बैंड मेरी प्रेगनेंसी और चेकअप्स के लिए इतनी क्लासेस मिस कर चुके थे कि ही हैड टू टेक हिज क्लासेस, सो उनको भी जाना पड़ता था. सो इट वॉज जस्ट सो, इट वॉज लोनली एंड इट वॉज ट्रामेटाइजिंग मेरे लिए. एंड टू अंडरगो दैट पेन एंड देन टू ऑल्सो हैव डीएनसी, उसके बाद वो मुझे डीएनसी के लिए भी ले गए. अच्छा, अब वो मुझे डीएनसी के लिए लेके गए तो उन्होंने मुझे ये बताने की तौफीक नहीं की कि क्योंकि हमने आपको एनेस्थीजिया देना है तो आपका स्टमक खाली होना चाहिए, आपने कुछ नहीं खाना. चीन वालों ने मुझे ये नहीं बताया. बहरहाल उसके बाद जनाब मेरे हस्बैंड गए हुए हैं क्लास लेने, और क्लास भी अच्छी 40-50 घंटे दूर क्लास है. उस वक्त हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी चाइना में, तो वो उबर करा के गए हुए हैं क्लास लेने. और मुझे कहते हैं जी कि अब आपका हम कर देते हैं डीएनसी, अब आपकी बारी आ गई, आपको ले जाते हैं डीएनसी के लिए, लेकिन क्योंकि आपने खाना खाया हुआ है तो आपकी हम डीएनसी होश में कर देंगे. ओ माई गुडनेस. मैं उस वक्त, मुझे चाय चीनी आती थी, एक मेरी फ्रेंड थी वहाँ, वो मेरे हस्बैंड की स्टूडेंट, मतलब नहीं थी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में से थी लेकिन सीनियर थी, मेरे हस्बैंड ने उसको कभी नहीं पढ़ाया, वो मेरे पास थी. उसको जितनी चाइनीज़ आती थी उसने उस चाइनीज़ में इनको कह दिया कि वो, मैंने तो चीखे मार के रोना शुरू कर दिया कि मैं ये सर्जरी नहीं कराऊंगी, पहले मैंने पेन्स लिए, इमोशनल ट्रामा अलग, अब आप मेरी डीएनसी करने जा रहे हैं और वो भी होश में, कभी भी नहीं.
मैंने तो चीखे मार मार के हॉस्पिटल सर पे उठा लिया। फिर मेरे हस्बैंड ने भी कॉल पे शायद बात की, डिसाइड किया कि नहीं इसकी डीएनसी नहीं करनी। फिर मैंने थोड़ी सी फास्टिंग की, फिर मेरी डीएनसी हुई। उसमें आपको बिल्कुल थोड़ा सा एनेस्थेटिक देते हैं, ज़रा सी देर के लिए आपको बेहोश करते हैं, लेकिन वो भी जनरल एनेस्थीसिया होता है, एंड देन यू जस्ट वेक अप। अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी इस सारे एक्सपीरियंस में वो ये थी कि आई वोक अप फ्रॉम दिस सर्जरी क्राइंग। लाइक ऑब्वियसली देर वॉज लाइक आई सेड अ लॉट ऑफ इमोशनल फिजिकल अ लॉट ऑफ ट्रामा अटैच टू इट दिस एक्सपीरियंस। लेकिन वहाँ क्योंकि चाइना में इट्स नो बिग डील बिकॉज वहाँ पे अबॉर्शंस आर लीगल, वहाँ पे सेकेंड बेबी वॉज नॉट अलाउड, तो वहाँ पे अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हैपन व्हेन पीपल आर जस्ट नॉट रेडी। एक बच्चा उन्होंने करना है तो वो अपनी लाइफ में जब रेडी होंगे तभी करेंगे। सो अ लॉट ऑफ दैट हैपन्स। सो ऐसे था जैसे कोई चीज़ बिक रही हो, लिटरली लाइक डजन्स ऑफ गर्ल्स, यंग गर्ल्स, वो जा रही हैं 5 मिनट बाद सर्जरी करके निकल के आ रही हैं, जा रही हैं 5 मिनट बाद आ रही हैं, एंड मैं देख रही हूँ इट वॉज लाइक दे वर सो हैप्पी और यूँ करके जाके जी सर्जरी करा के वापस आ जाती हैं। एंड फॉर मी लाइक बींग देयर इट वॉज सो ट्रामेटाइजिंग। बट या दैट वॉज सर्जरी नंबर 3 या मेडिकल प्रोसीजर नंबर 3, आई कीप कॉलिंग इट सर्जरी, इट वॉज इन रियली अ सर्जरी। एंड लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली देर इज़ नथिंग फिजिकल दैट लाइक उसका कोई फिजिकल मार्क मुझ पर रह नहीं गया डीएनसी का, इट रियली डजेंट चेंज यू दैट मच। लेकिन कहते हैं बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है आपको मिसकैरेज के बाद, वो मुझे फील हुई कुछ अरसे तक, लेकिन द इमोशनल पेन इट रियली टुक इट इट्स टाइम। द इमोशनल बैगेज जो मैं उसके साथ लेके फिरती रही बहुत अरसा, इट रियली टुक इट्स टाइम टू एक्चुअली लाइक कम्प्लीटली गो अवे। आज भी मैं इतने अरसे के बाद भी इस बारे में बात कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग सैड, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन फिजिकली इट रियली डजेंट चेंज यू मच, बट जो उसका इमोशनल ट्रामा, इमोशनल बैगेज होता है, इट कैरीज फॉर लाइफ, इट कैरीज फॉर ईयर्स, एटलीस्ट इतना तो मैं बता सकती हूँ कि ऑल ऑफ इट टुगेदर वॉज लाइक नॉट प्लेजेंट। सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ट्रामेटिक थी। Anyways, and that brings me to the fourth and the happiest surgery I've ever had, and that is my C-section. C-section ki bahut details de chuki hu main apni C-section wali video mein, what to know, what to expect from your C-section. So wo sari cheeze aapko usme mil jayengi, but baharal it happened like 3 years ago. Meri beti paida hui through a C-section, and uski wajah ye thi ke I was not going into labor naturally, aur baby ke liye ird ke jo amniotic fluid hota hai wo kam hua hua tha, so they had to get the baby out, baby ko unhone bahar nikalna tha. So that's why my surgery was decided. And honestly, मुझे natural labor के concept से इतना डर लगता है कि sort part of me was like happy, ठीक है surgery हो जाए। So C-section की recovery is obviously difficult, लेकिन उसमें आपको एक baby की responsibility मिल जाती है, तो वो आप जो मैं cystectomy के बाद जिस तरह की pain मुझे याद है उसमें I could afford to just you know lie down on bed and cry for 2 hours, और मैं वो उस तरह का chill कर सकती थी। After a C-section, your like motherly instincts or body or nature, it's just telling you to get up and like move on. और surgeries के बारे में एक ये भी बात है कि जितनी जल्दी आप अपने आप को मोबाइल कर लेंगे, जितनी जल्दी आप चलने फिरने लग जाएंगे, उतनी जल्दी आप रिकवर भी करेंगे। सो C-section में हफ्ते के बाद आई थिंक बहुत प्रोग्रेसिवली फर्क पड़ता है, बहुत तेज़ी से आप रिकवर करते हो। पहला हफ्ता तो ऐसे लगता है ना करवट ली जाती है, ना उठा लेट के उठा जाता है, बहुत मुश्किल होता है लेट के उठना, उल्टा लेटना तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, लाइक उस तरह की चीज़ें, खांसी आने पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है टांकों में। सो वो सब तो होता है, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद ना बहुत प्रोग्रेसिवली आपको ऐसे लगता है आज तो मैं कल से भी ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, और आज तो मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। बहुत तेज़ी से रिकवरी होती है फिर उसके बाद। जैसे मैंने अपनी सी सेक्शन वाली वीडियो में भी बोला था कि देर इज़ अ पार्ट ऑफ माई एबडोमिन दैट जस्ट डजेंट हैव नेचुरल सेंसेशंस, और इसकी वजह यही है कि इतना बड़ा कट लगता है कि मेजर नर्व डैमेज होता है। सो बहुत सारी सेंसेशन, लाइक अगर मैं अपने हाथ पे ख़ारिश करूँ और अगर मैं अपने एब्डोमेन पे ख़ारिश करूँ तो आई डोंट फील द सेम वे। लाइक एब्डोमेन पे टिकल करने की फीलिंग ऐसी होगी जैसे सोए हुए पाँव को टिकल करने की फीलिंग होती है, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। सो वो थोड़ी सेंसेशन लोअर एब्डोमेन में से जा चुकी है, 3 साल की हो गई मेरी बेटी, इट हैज़ नॉट कम बैक। सो दैट इज़ हाउ इट हैज़ अफेक्टेड मी लॉन्ग टर्म। बट हाँ, लॉन्ग टर्म सी सेक्शन के ये भी होते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सिटअप्स टाइप एक्सरसाइज कर लो तो आपको दर्द होने लग जाता है अपने स्टिचेस में। सो इस तरह के कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ अ सी सेक्शन, बट अदर देन दैट ऑल गुड, एंड इट गेव मी द मोस्ट ब्यूटिफुल अमेजिंग बेबी एवर। सो आई डोंट माइंड माई सी सेक्शन, यू नो। But yeah, that is it, you guys. Those were my 4 medical procedures and all you need to know about them. तो ये थी आज की वीडियो। आई होप इसमें आपको या इंटरेस्टिंग कुछ लगा होगा, या सीखने को कुछ मिला होगा, या जस्ट कुछ रिलेटेबल लगा होगा। आई डोंट नो इफ दिस वीडियो सर्व्स एनी पर्पज, बट आई रियली होप दैट इट डज। आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन। हाँ,
अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप दे दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझसे गपशप जरूर लगाइएगा, एंड यू नो शेयर दिस वीडियो विद एनीवन यू थिंक वुड फाइंड दिस वीडियो एंटरटेनिंग और हेल्पफुल. एंड या दैट्स इट, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़.